अगर हौसला हो तो इंसान कोई भी मकाम हासिल कर सकता है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया था देश की सबसे बड़ी टार कंपनी के मालिक एम मेमन मैपिल्लई ने, जिन्होंने अपनी लगन और हिम्मत के दम पर एमआरएफ जैसी कंपनी खड़ी कर दी। आज एमआरएफ टायर मार्केट में बुलंदियां छू रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इसी कंपनी की सफलता की कहानी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। एमआरएफ टायर यानी मद्रास रबर फैक्ट्री आज टायर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, लेकिन एक समय था जब इस टायर कंपनी को शुरू करने वाले शख्स मेमन सड़कों पर एक बैग में बलून यानी कि गुब्बारे लेकर बेचा करते थे। मेमन के पिता ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और जेल गए थे। मेमन के पिता जब जेल में थे तो वो बलून बेचकर परिवार चलाया करते थे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करते थे। मेमन ने स्नातक टायर मैन्युफैक्चरिंग से ही किया था। फिर करीब 6 साल तक बलून का कारोबार करने के बाद 1946 में ट्रीड रबर बनाना शुरू कर दिया। 24 साल की उम्र में वो बच्चों के खिलौने बनाते थे। उन्होंने अपना पहला ऑफिस चीटे स्ट्रीट मद्रास में खोला था। धीरे धीरे मेमन रबर से बने उत्पादों की बिक्री करने लगे। 1956 तक आते आते उनकी कंपनी रबर के कारोबार में बड़ा नाम कमा चुकी थी। रबर प्रोडक्ट्स के बाद उन्होंने टायर इंडस्ट्री में हाथ आजमाया। साल 1960 में उन्होंने रबर और टायरों की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद मैपिल्लई ने टायर बनाने के लिए अमेरिका की मेंसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ टाई अप किया। 1967 में एफआरएफ अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाली पहली कंपनी बन गई। 1973 में कंपनी ने देश में पहली बार नायलॉन टायर लॉन्च किया। साल 1979 तक कंपनी का नाम विदेश में फैल चुका था, लेकिन इसी साल अमेरिकी कंपनी मेंसफील्ड ने एफआरएफ से अपनी हिस्सेदारी खत्म कर ली। इसके बाद कंपनी का नाम एमआरएफ लिमिटेड हो गया। इसके बाद मैपिल्लई ने छोटी बड़ी कई कंपनियों के साथ टाई अप कर कंपनी को एक नए मकाम पर पहुंचाया। मैपिल्लई के बाद उनके बेटों ने बिजनेस को संभाला और कंपनी लगातार ग्रोथ करती रही। ये मेमन की हिम्मत और उनके बेटों की काबिलियत ही है कि आज एमआरएफ 34,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। इसके एक शेयर की कीमत 80,100 रुपए है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। क्या आपको पता है भारत से सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी मारुति 800 में भी एमआरएफ का टायर ही इस्तेमाल हुआ था। तो आज हमने आपको बताया एमआरएफ टायर की सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।